स्वच्छता सफाई ये जो शब्द है ये हमारा बुनियादी हक है, लेकिन इसका सपना दिखाया भी गया और ये सपने सा लगता भी है। 100 दिन सफाई के कैसे रहे? मुझे तो वो पल बहुत अच्छा लगा, जैसे हम लोग सोचते थे कि लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता की बात हुई, शौचालय की बात हुई, गंगा की बात हुई, तो मुझे सच में लगा कि कुछ नया भारत का निर्माण शुरू हो चुका है। रंजन, आपको बातें नहीं लगी या आपको मंशा भी नहीं लगी? यानी सफाई ज्यादा मुश्किल है या एक साफ मंशा ज्यादा मुश्किल है? असलियत में महात्मा गांधी ने अपने जमाने में सफाई को जीवन का जरूरी काम बनाया था और वो शायद हम करना भूल गए हैं। तो यदि केवल बातचीत के लिए कहना हो तो सुन के अच्छा ही लगता है कि भाई सफाई जैसी बुनियादी बात लाल किले की प्राचीर से हुई, पर इस देश में सफाई के लिए बहुत मजबूत कानून भी है। एक भी कानून की पालना पिछले 100 दिनों में सफाई के लिए हो जाती तो नदियों की पवित्रता वापस लौटने लगती। जो कानून हैं सफाई के लिए, पर्यावरण के, प्रदूषण के, उनको थोड़ा सख्ती से पालना करवाने की ज़रूरत है। और स्वच्छता की बात तो भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कही वो सुन के बहुत अच्छा लगा, मन को भी अच्छा लगा, और इससे भी ज़्यादा अच्छा ये लगा कि उन्होंने जब काशी पहुँचे तो पहली बार कहा कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, मैं उसका बेटा हूँ। तो जब ऐसी चीज़ों से हम इमोशनली अपने को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो समाज जुड़ता है। तो समाज को गंगा जी के साथ जोड़ना और सफाई के साथ जोड़ना, उस मायने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। पर सचमुच कुछ हो जाए, कुछ दिख जाए, 100 दिन हो गए हैं, इन 100 दिनों में यदि प्रधानमंत्री जी ने गंगा जी के लिए NGBRA की बैठक भी ना बुलाई हो, उन्हीं की अध्यक्षता में होनी थी, तो फिर उस माँ के इलाज के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि मैं अपनी माँ का अच्छा इलाज करूँगा? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को जल्दी करना चाहिए, 100 दिन हैं, काफ़ी हैं, और 100 दिनों में कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। मुझे लगता है कि दिल को खोल करके कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपने पीछे कितना साल पहले देखा था कि प्रधानमंत्री की शपथ लेने के पहले कोई प्रधानमंत्री गंगा में आरती कर रहा हो? बात यह है कि आप कितना पैसा लगा के गंगा को स्वच्छ करेंगे, सबसे पहले मन से लोगों को गंगा के प्रति आदर लाओ। 916 करोड़ रुपया पीछे सरकार ने दिया, लेकिन गंगा का सम्मान करने क्या प्रधानमंत्री कभी गए? अगर हम गंगा परियोजना के तहत देखें तो सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो थी वो राजीव गांधी के वक्त शुरू की गई थी, गंगा एक्शन प्लान। मैं समझता हूं कि मनोज जी कलाकार भी हैं, गंगा हमारे जीवन का सही में एक लाइफलाइन जिसको कहा जाता है, धार्मिक और प्रैक्टिकल में गंगा ही पीने का पानी से लेके खेत खलिहान तक है। गंगा को भावनात्मक जोड़ने के लिए कोई प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, वहाँ डिटर्मिनेशन और नियत और नीति की जरूरत है। आज हम 100 दिन के बाद जब बैठे हैं तो आपका क्या था, जैसा आपने कहा कि राजीव जी ने गंगा मिशन किया था, हालांकि वो भी पूरी तरीके से विफल, वो करोड़ों पानी में बह गए। जैसा इन्होंने कहा कि कानून कानून बनाना, मनोज जी कानून एक अलग चीज है और उसको इम्प्लीमेंटेशन या राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्रों के द्वारा उसकी क्या प्राथमिकता दी जा सकती है, उसी वही हमारी विफलता है। और लेकिन जो शुरुआत कहा जा सकता है कि गंगा की सफाई या गंगा का जो स्वच्छता बरकरार रहे, ये राजीव जी के द्वारा शुरू किया गया है। आरती और ये सब भावना है। आजकल कोई मुस्लिम अगर हमारा प्रधानमंत्री हो, वो आरती अपने से ना करे, इसका मतलब कि गंगा से वो जुटा हुआ नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये धार्मिक भावना और ये दिखावटी भावना से ज़्यादा कमिटमेंट का सवाल है जो राजीव जी ने शुरुआत किया था। अगर नरेंद्र मोदी जी उसको आगे ले जाना चाहते हैं तो 100 दिन में उन्होंने क्या उसका शुरुआत किया, ये बहस का मुद्दा है, क्योंकि आप 100 दिन के बाद हम एक बहुत गंभीर बात भैया ने भी कही, मैं बहुत सम्मान करता हूं इनका, लेकिन क्या कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री हो तो गंगा को कैसे आरती करेगा, गंगा की कैसे सोच करेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
गंगा तो सबकी है, अगर गंगा को हिंदू मुस्लिम में बांट, यही सेम चीज मैं कह रहा हूं। आरती एक भावना है, हम लोग सब लोग जाते हैं तो आरती करते हैं, लेकिन वो धार्मिक भावना है, उससे उसका कोई गंगा की सफाई का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि गंगा देश के 130 करोड़ लोगों का गंगा है। दरअसल भावनात्मक जुड़ाव का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि शायद लोगों को रोका जा सके कि आप गंदगी न फैलाएं, और इस वजह से ये सबसे प्रमुख बात है। बिल्कुल, जन जागरण, गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को आभास कैसे हो कि गंगा सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, गंगा जीवन है। हम जल को ही, जल के हिसाब से भी देखें, हम क्यों कहते हैं कि गंगा सिर्फ पूजा के लिए है? गंगा को जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर उठाएंगे, हमारे देश के हर लोग, गंगा तो सही में जीवन का मूलभूत आधार है। अगर आप देखिए तो पूरे हमारे नदियां हैं दो चार। भैया वही काम प्रधानमंत्री ने किया, हम इसलिए नहीं कि बीजेपी के सांसद इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, मुझे एक भारतीय के रूप में अच्छा लगा कि एक प्रधानमंत्री गंगा के किनारे पहुंचा और उससे कम से कम करोड़ों लोग इस बात के लिए। हम सवाल इस पर ये कर रहे थे कि 100 दिन में हुआ क्या गंगा जी के लिए, तो राजेंद्र जी आपको नहीं लगता है कि एक मंत्रालय बनाना, गंगा रिजुविनेशन, जो कि एक पॉजिटिव शब्द है अपने आप में, नमामि गंगा परियोजना का ऐलान करना, 2000 से ज्यादा करोड़ का ऐलान करना बजट के भीतर, ये कदम नहीं आपको लगता है कि पर्याप्त है? ये बहुत अच्छे कदम है, क्योंकि हम पिछले दिनों से इसके लिए आंदोलन कर रहे थे और इस सरकार ने आते के साथ इसका एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया, ये वाकई सम्मान करने लायक है। हमने ये भी कहा था कि जल्दी से एक ऐसा कानून बनाए जिस कानून के तहत आप गंगा को यदि राष्ट्र नदी कहते हैं तो उसको राष्ट्रीय ध्वज की तरह, राष्ट्रीय प्रतीक की तरह नदी का सम्मान करने का क्रम चले। आप जानते हैं भारत दुनिया को पढ़ाने के लायक देश तब तक रहा जब तक भारत ने नीर नारी और नदी का सम्मान किया, और ये जो नीर नारी और नदी का सम्मान की परंपरा थी, उस परंपरा को इस मायने में मोदी जी ने अच्छा ही किया कि एक महिला को उस मंत्रालय का जुम्मा दिया। दिस इज ये एक सम्मान करने की भी बात है। लेकिन बहन जी, जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं वो ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को गंगा के लिए समय निकाल कर इन 100 दिनों में कम से कम एक बार NGBRA की बैठक, जिसके वो खुद अध्यक्ष हैं, वो बुला के जरा गंगा के लिए अब आगे का कैसे इलाज हो। अभी हमारे पास 4 रिपोर्ट्स हैं गंगा की, जो पिछले 10-12 सालों में बहुत मेहनतों से, लड़ाइयों से, आंदोलन, सत्याग्रह से तैयार हुई हैं। उन चारों रिपोर्ट्स को बैठा के इस वक्त भाई बेटे का फर्ज होता है कि माँ के इलाज के लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढ के जल्दी से डायग्नोस करके कि माँ का इलाज कैसे करना है, उसको करने की जरूरत थी। ये एक बैठक होकर यदि काम शुरू हो जाता तो हम मनोज जी को बहुत बधाई भी देते और अपने प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देते कि उन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया। भाई मेरे जैसे आदमी को तो ये 100 दिन बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। गंगा किनारे से आप नहीं हैं। हुआ गंगा किनारे से आते हैं के लिए आपकी पूरी इंडस्ट्री जो है वो गंगा के नाम से ही है, चाहे वो गाने हो या फिल्मों के नाम हो या फिल्मों के प्लॉट हो। क्या आप यहाँ पर जानकारी श्वेता में देना चाहता हूँ सर, तो सबके सामने प्रदेश के, कि अभी तक 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं गंगा को लेके, और सबसे जो बड़ी बात हुई है कि 4 मंत्रालयों को गंगा के लिए जोड़ दिया गया है, भूतल परिवहन, जल संसाधन, कृषि मंत्रालय और UD मिनिस्ट्री, चारों को जोड़ करके ये नमामि गंगा का प्रोजेक्ट है जिसके लिए 2037 करोड़ एलोकेट हुआ है। मैं ये सारी चीजें चल रही हैं, हम तो खाली अभी आरती तो पहले दिन की बात कहें, 100 दिन में तो इतना कुछ किया गया है। हम सांसदों को ये कहा गया ये है कि मनोज भाई सर, जब भी इस तरह के होते हैं कि विभिन्न मंत्रालयों का होता है तो उसके कोऑर्डिनेशन का जिम्मा नॉर्मली PMO ही लेता है। हम जिस मंत्रालय में थे 19 मंत्रालय जुड़ा हुआ था टूरिज्म से, तो हमने वहां एक बनवाया कि प्राइम मिनिस्टर को टाइम नहीं मिलेगा तो कम से कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके मंथ में एक बार रखेंगे, लेकिन शुरुआत उसका भी प्रधानमंत्री ने ही 1900 मंत्रालय को बुला करके कि कैसे टूरिज्म। सुबोध प्रसाद जी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, जब आप पर्यटन मंत्री थे उस वक्त आपने गंगा में जहाज के जरिए पर्यटन को विकास की एक बात आपने भी योजना के तौर पर, हमें खासकर अब इस बार जो अपना कुंभ था, कुंभ को हमने पर्यटन से जोड़ करके और कैसे उसकी सफाई और कैसे दुनिया के सामने, क्योंकि कुंभ अपने आप में बहुत ऐतिहासिक घटना है मानी जाती है, तो इससे भी हमने और साधु संत सब तरह के लोगों को जोड़ा था हम लोगों ने कि इससे कैसे हम ये बहुत अच्छी बात है।
दूसरी तरफ यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं इलाहाबाद से लेकर आप हल्दिया तक ले जाने के लिए जहाज परियोजना भी शामिल करना, ये घोषणा हुई थी कि वहां पर जहाज चलाया जाएगा। अब राजेंद्र जी आप बताइए कि अगर जहाज चलाया जाता है तो उसकी एक्वेटिक लाइफ का क्या हो रहा है, जल जीवन का क्या हो रहा है, पर्यटन बनाम जल जीवन कौन ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या विरोधाभास है अलग अलग मंत्रालयों में, क्या यह कहा जाता है कि बांध बनाया जाएगा हर थोड़ी दूरी पर तो वो गंगा की अविरल धारा को नहीं रोकता है। देखिए, हम लोग माँ का दोहन करके माँ का दूध पीकर सब बड़े हुए, तो गंगा का भी दोहन करना तो उचित है, लेकिन शोषण करना उचित नहीं। गंगा में 100 टन के पोत चलाना तो ठीक है, उसमें ड्रेजिंग वगैरह में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यदि 450 टन का पोत चलाएंगे तो इनको लॉक सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसमें 16-17 बैराज बनानी पड़ेंगी हर 100 किलोमीटर पर। और ये जो लॉक सिस्टम है, ये खासकर ये जो नीचे वाला गंगा जी का हिस्सा है, इसको पूरा फ्लड में बदल देगा, और उसकी जो ड्रेजिंग है, उसके जो कटाव हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, और उसकी जो मेंटेनेंस खर्च है वो उससे ज़्यादा होंगे। इसलिए मेरा कहना ये है कि गंगा जी के साथ, गंगा को हम माँ कहते हैं, गंगा माई है, कमाई नहीं, इसलिए गंगा माई को माई मानकर करें, कमाई मानकर नहीं। उसमें 100 टन के जहाज चलाने के लिए तो बराबर हम स्वागत करते हैं, लेकिन 450 टन के पोत चलाने के लिए आप यदि बैराज बनाएंगे तो गंगा की अविरलता और निर्मलता, जो जिस चुनाव से पहले जो इनके घोषणा पत्र में मेन एजेंडा था कि हम गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए काम करेंगे, ये बैराज बनने से गंगा की अविरलता बाधक होगी। इसलिए मैं तो बराबर स्वागत करता हूँ पोत चलाने का, पर बैराज बनाने का स्वागत नहीं है। इन मानकों के आधार पर ही सब कुछ हो रहा है, और हम सभी मानने वाले, जैसा भैया ने कहा गंगा माई है, तो हम लोग कैसे भूल सकते हैं उसको। मैं तो, मुझे लगता है हर पल में गाते रहता हूँ, मेरी माँ ने कभी कहा था तो मैं उसको बताते रहता हूँ कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। गंगा मंथन भी किया गया, तमाम लोगों को वहां पर बुलाया गया, निमंत्रण हुआ, साधु संत हुए, पर्यावरणविद हुए, छोटे छोटे कार्यकर्ता, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया। आपने भी मेरा ख्याल है उमा भारती के साथ पूरा दौरा किया। जी, जो गोमुख से गंगा सागर तक हम भी उसमें साथ में रहे हैं, और हम तो अलग से भी हम लोगों ने किया था, आपका आज तक पार्टनर था, मीडिया पार्टनर था, वो महादेव गंगा महोत्सव किया था, तो उस कोशिश, हम नहीं कहते कि हम सबसे अच्छा किए हैं, लेकिन हम भी थोड़ा सा काम किए हैं, और इस 100 दिन में जो भी हुआ है हम उससे और भी 100 गुना ज्यादा करने की नीति और नियत रखते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी जल्दी से ना प्रधानमंत्री जी, क्योंकि प्रधान सेवक हैं, उन्हीं को तय करना है कि गंगा की चिकित्सा कैसी होनी चाहिए। वो सचमुच गंगा जी बीमार हैं और मरने के लिए तैयार हैं, और अब यदि उनकी चिकित्सा नहीं हुई तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी वो जिस निर्णायक मंडल के अध्यक्ष हैं, क्योंकि निर्णय उन्हीं की अध्यक्षता में होना है। अभी जो जिन कमेटियों का जिक्र मनोज भाई ने किया, वो तो थोड़ा पॉलिसी के लेवल पर और कुछ छोटे एजुकेशन के लेवल की बैठकें हैं, पर फाइनली किस रास्ते से गंगा की चिकित्सा होगी, गंगा कैसे ठीक होंगी, जो हमसे पहले भूल हुई हैं या गलतियाँ हुई हैं, अब वो दोबारा गलती ना हो, उसके लिए जो हमारे पास 4 बड़े अध्ययन हैं, एक तो है इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की रिपोर्ट आ गई है, एक 7 IIT के कंसोर्टियम की रिपोर्ट आ गई है, एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून की रिपोर्ट आ गई है, एक WWF की रिपोर्ट है। ये चारों रिपोर्ट में से अब हमारे पास गंगा के बारे में बहुत कुछ जानकारी सब है, उसको जरा मिला के उसका डायग्नोस करना है कि गंगा में हमें कैसे काम करना है। गंगा के बारे में बहुत विवाद है, गंगा के बारे में बहुत लोगों का अब ये मानना है कि गंगा में ट्रीटमेंट के बाद भी पानी नहीं डालना चाहिए, ट्रीटमेंट के बाद उस पानी को हम खेती बागवानी या इंडस्ट्री या डोमेस्टिक यूज करें, क्योंकि जिस तरह से अभी तक के STP लगे और STPओं पे बहुत खर्च हुआ, काम हुआ, उसमें से अच्छे परिणाम नहीं आए, तो आगे ये गलती ना हो, इसलिए आगे की गलतियों को रोकने के लिए ये बात जरूरी है कि एक नीति बन जाए, और एक गंगा जी के लिए जो गंगा का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट
एक्ट की एक जरूरत है। अभी तक गंगा पर गंगा एक्शन प्लान वगैरह वगैरह हम लोगों ने प्रोजेक्ट की तरह काम किया, और जब हम प्रोजेक्ट की तरह से काम करते हैं तो उसका आउटपुट सॉलिड और सस्टेनेबल नहीं होता। अब हमें गंगा जी के लिए एक रियली एक कंजर्वेशन और मैनेजमेंट एक्ट की जरूरत है, जिससे गलती करने वाले को ठीक से रोका जा सके। और वो हो रहा है, वो हो रहा है। आप देखिए क्योटो में जाकर के आज गंगा की चर्चा हो रही है। हमें अभी की बात है कि गंगा किनारे रहने वाले मैक्सिमम लोक कलाकारों को गंगा के प्रति जन जागरण करने के लिए सरकार उनको अनुबंधित कर रही है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा देश के बाहर गंगा की चर्चा, गंगा निकलती है तो धर्म है, गंगा आगे बढ़ती है तो संस्कृति है, और उसके बाद हम देखते हैं स्वीकार करते हैं कि पिछले वर्षों में गंगा उसके बाद नाले का रूप लेती है। काशी एक ऐसा पड़ाव है जिसके संवर्धन में गंगा का विकास है, और एक बहुत बड़ी योजना क्योटो में हुई है कि 100 दिन में देश को उसको भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह से मनोज जी आपने बताया, हम भी काम के लिए गोमुख से लेकर गंगा सागर तक का सफर किया, उसमें सबसे अच्छा लगता है कि जितने छोटे शहर हैं, पहाड़ों से ऊपर नीचे उतरते जाइए, लोगों के मन की दूरी गंगा से बढ़ती जाती है। सिर्फ मैल धोना है, सिर्फ अपना पाप धोना है, गंगा की गंदगी के बारे में कोई नहीं सोचता। गंगोत्री शहर में वहां पर जो वेस्ट डिस्पोजल है, ताकि एक बूंद सीवेज का न जाए पानी के भीतर, उसके लिए उसे बाहर ही क्रश करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उनकी अपनी तकनीक है, आगे वही इस्तेमाल नहीं होता। और ये आज की बात नहीं है, सालों से चल रहा है। आपकी सरकार भी दोषी है सुबोध का सर। जो शुरुआत किया था राजीव जी ने, और जो मंशा थी उनकी, और तत्कालिक उन्होंने आगे बढ़ करके उस पर कार्रवाई की, वो आगे नहीं चल पाया। लेट्स सी कि ये नई सरकार आई है तो ये बातों की सरकार होगी या ये भी कहीं आगे बढ़ेगी, क्योंकि सांस्कृतिक और इन सब चीज़ों में तो बहुत हम इसको ढांक लेते हैं, लेकिन जमीन पे क्या उतरता है, जैसा इन्होंने कहा राजेंद्र भाई ने, कि वो वक्त आ गया है कि उसको देखने का। क्योंकि हम लोग तो सब अपने को गंगा का ही बेटा कहते हैं, लेकिन खास बेटा बनारस पहुंचे हैं तो शायद कुछ शुरुआत हो जाए। इसलिए मैं इसको बहुत भले मानस से मैं समझता हूं कि शुरुआत करना है तो करें। गंगा के लिए फंड्स आपने एलोकेट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपने मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स भी कर ली है, बट मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सारा क्रेडिट आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेना चाहती है? स्टेट गवर्नमेंट्स के रोल की बात कर रहा हूं। जहां तक मेरी स्टडी कहती है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स वो एक्शन नहीं लेंगे कि गंगा को फर्दर गंदा ना किया जाए, वो अथॉरिटी काफी हद तक उनके हाथ में है। 5 राज्यों से गंगा स्वाभाविक रूप से बहती है, और 5 राज्यों का इसके प्रति काम करना और उनका डेडिकेशन बहुत अनिवार्य है, तभी गंगा शुद्धिकरण हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, जहां तक फंड एलोकेशन का संबंध है, 85% जो फंड है गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट के लिए वह सेंटर देती है, 15% फंड जो है वो आपको राज्य देती है। तीसरा, बहुत जो आपका सवाल था, बीडी त्रिपाठी जो कि गंगा बेसिन प्रोजेक्ट के एक बहुत माननीय सदस्य थे, उन्होंने पूरा इस पर एक आर्टिकल लिखा है कि किस प्रकार से जो GAP 1 और GAP 2 गंगा एक्शन प्लान 1 और 2 का फेल्योर रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल एक स्टेट्स का रहा है, और कोई मॉनिटरिंग आज तक स्टेट्स का हुआ ही नहीं है। स्टेट निरंतर पोल्यूशन पे पोल्यूशन करती गई और कोई मॉनिटरिंग हुआ नहीं। सेंटर पैसा देता गया और वहां रेड टेपिज्म और करप्शन के कारण जो काम स्टेट्स में होने थे वो नहीं हो पाए। राजेंद्र जी, आपके आने से पहले इस पर चर्चा कर रहे थे कि बैठक नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत उत्साहित हैं, पर्यावरण को लेकर बहुत काम करते हैं, और शायद ऐसे ही लोग जो अगर हम काशी की बात करें, हरिद्वार की बात करें, जो भूख हड़ताल अनशन उपवास करके न जाने कितने दिनों बाद प्राण त्याग देते हैं गंगा माँ के लिए। हम शहरों में बैठ के नल से पानी खोलते हैं, पानी पी लेते हैं, ध्यान नहीं आता है। शायद हमें सलाम भी करना होगा ऐसी कोशिशों को, लेकिन साथ ही राजनीति और राजनीति की तरफ से उठाए कदम की जरूरत है इस तरह की कोशिशों को। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जितने बड़े इमोशनल कॉजेज भी हैं उनके लिए एक पॉलिटिकल विल का होना अत्यंत अनिवार्य है। खत्म करने से पहले एक छोटा सा जवाब चाहूंगी। देखिए, मुझे ट्रस्ट है आपको, हमें तो ट्रस्ट तो है, पूरा ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है कि हमारी धरती का बेटा हमारे देश के राज चलाने में जैसी परंपरा रही है आए हैं, लेकिन जल जंगल जमीन गरीब की, मुझे हमेशा जब मैंने बात शुरू की थी महात्मा गांधी का ताबीज याद आता है, गरीब का जल जंगल जमीन और उसकी रोटी और उसका पानी उसके हाथ में रहे, उसका ख्याल रहे, वो बीमार ना हो, वो उसकी गरीबी और ना बढ़े,
उस पर ख्याल करने की जरूरत है। यदि उस पर ख्याल होगा तो हमारी गंगा भी साफ हो जाएगी और हमारा जीवन भी साफ हो जाएगा और फिर उसमें से जो विकास बढ़ेगा वो तो फिर गरीब से गरीब इंसान के पास। उम्मीद पे दुनिया कायम है, 100 दिनों ने उम्मीद दी है, हम इसी बात की उम्मीद करते हैं कि पहली बैठक होगी। और चूंकि मनोज जी सांसद के अलावा कलाकार भी हैं तो हम इस सेशन का अंत। धोएगी कब तक गंगा तेरे मेरे पाप को, बच्चों को बताना होगा अपने अपने बाप को। गंगा मैया से हम सबका माँ बेटे का नाता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब, बहुत धन्यवाद।